नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नया एपीएन सेटिंग बताने वाला हूं, तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों एपीएन, ये जो एपीएन है वो आप लोगों के इंटरनेट स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा, और इसे कैसे सेटिंग करना है तो सारा कुछ वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग को ढूँढ लेना है और सेटिंग को क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग को क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको सिम कार्ड मैनेजर या फिर डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क का ऑप्शन दिखेगा, सेकंड नंबर पे ये ऑप्शन होता है, तो उसमें सिंपली सा क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक सिम चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा आपका। जियो सिम, सिम वन में या फिर सिम टू में अपना चूज़ कर लीजिए। ठीक है, चूज़ करने के बाद आपको नीचे एक एक्सेस पॉइंट नेम बोल के एक ऑप्शन दिया जाता है, उसको क्लिक कर लीजिए। नीचे एक ऑप्शन एक्सेस पॉइंट नेम जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपीएन, उसको क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे नीचे जाकर रेजर टिक वर्क कर दीजिए, जिससे आपका डेटा क्लियर हो जाएगा और इंटरनेट स्पीड बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगा। अब आपको ऊपर में प्लस का ऑप्शन दिख सकता है, वो देख टिक उसमें क्लिक करना है, या फिर नीचे भी आपका प्लस का ऑप्शन हो सकता है। तो क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज ओपन होगा, तो सबसे पहले आता है नेम। तो नेम में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है स्पीड एक स्पेस बॉट, जो कि एस और बी कैपिटल होगा, स्पीड बॉट एक स्पेस फिर लिखना भी जो कि कैपिटल होगा, भी नाइन एक्स, ठीक है, जो सारा कैपिटल होगा। ठीक है, स्पीड बॉट भी नाइन और कैपिटल एक्स, सेव कर देना उसके बाद। ठीक है, इसको कर दीजिए सिंपली से सेव। उसके बाद जाता है एपीएन। तो एपीएन में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर एपीएन में लिखना है जियो इंटरनेट, जो कि सटाक लिखना है, जो कि जे कैपिटल होगा और आई इंटरनेट आई कैपिटल होगा, जियो इंटरनेट, इस लिख के सेव कर दीजिए। ठीक है, इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद आ जाता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट को भी नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आ जाता है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है बॉट, जो कि बी कैपिटल होगा, डॉट भी जो कि स्मॉल होगा, नाइन एक्स भी, बॉट डॉट भी नाइन एक्स, जो कि सारा स्मॉल ही होगा। ठीक है, जो सिर्फ बी कैपिटल होगा। उसके बाद इसको कर देना है सेव। उसके बाद जाता है पासवर्ड, नॉट सेट भी रहने देना है। उसके बाद जाता है सर्वर, सर्वर को नॉट, सॉरी सर्वर में आप लोगों को लिखना है यहाँ पर www.jio.com, www.jio.com यह लिखकर आपको यहाँ पर सिंपली सा सेव कर देना है। उसके बाद जाता है MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, ये तीनों को नॉट सेट ही रहने देना है। उसके बाद आ जाता है MMCC और MNC, ये आपका एरिया कोड है, इसे छेड़छाड़ ना करें वरना आपका इंटरनेट स्पीड और भी धीरे हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है ऑथेंटिकेशन टाइप, ऑथेंटिकेशन टाइप आ जाता है तो वो सबसे नीचे वाले में पैप और चैप में कर देना है, फोर्थ नंबर वाले में ऑप्शन में। उसके बाद आ जाता है APN टाइप, इसको नॉट सेट ही रहने दें। अब ये करने के बाद आ जाता है APN प्रोटोकॉल का ऑप्शन, तो इसमें आपको सबसे नीचे वाले में IPv4/IPv6 में क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली से APN रोमिंग प्रोटोकॉल में आपको सबसे नीचे वाले में IPv4/IPv6 में क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग आ जाता है बेयरर। तो बेयरर बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट भी जरूर करना। तो अनस्पेसिफाइड पर अनटिक करके LTE, HSPA, PHSPA और EDG UMTS और ISN 5B और ISN 5A दीजिए। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद अगर इतना सारा सपोर्ट नहीं करते तो सिर्फ LTE पर क्लिक करके छोड़ दीजिए। आप सिंपली से MVNO टाइप को नन रखें, ऊपर में सेव का ऑप्शन है, सेव कर दीजिए, या फिर नीचे भी आपको ऑप्शन हो सकता है। तो अब इसको सेव कर दीजिए सिंपली से ऊपर में जाकर। अब इतना करने के बाद कुछ आप लोगों को इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आपको नीचे में स्पीड बोर्ड V9X में क्लिक कर देना और आपका इंटरनेट स्पीड जो बेहतर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो नॉलेजफुल रहा होगा। तो अगर कमेंट जाकर नीचे कमेंट कर देना आपका इंटरनेट स्पीड हुआ है या नहीं। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।